बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली कल परसों हाईवे वाक्या सुन के बहुत अफसोस हुआ। ये जो करने वाले हैं इस तरह के चीज़ें कर रहे हैं, उसका वो तो इस्लाम से तो खारिज हैं ही, मगर वो इंसानियत से भी खारिज हैं। तरह से डिफरेंट वाक्या, चाहे वो कसूर का हो, कराची का हो, चाहे वो लारकाना का हो, बट हमारे जो कानून के जो इदारे हैं, मोस्टली जिसकी फर्स्ट लाइन पे ड्यूटी है पुलिस वाले, उनकी तरफ से इस तरह के बयान आना कि लेट निकलना नहीं चाहिए था, ये करना नहीं चाहिए था, वो करना नहीं चाहिए था, बट फर्स्ट ऑफ ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to make sure the security of individual of this country. आप अपनी टेरिटरी फाइंड करने में लगे हुए हों कि ये मेरी एरिया नहीं है, मेरे थाने के अंदर नहीं आती, मेरे थाने के अंदर नहीं आती, यू हैव टू फर्स्टली रीच एट द पॉइंट जहाँ पे ये इस तरह का वाक्या हुआ है, उसके बाद आप इस चीज़ का तायुन करते रहें। यार पहले तो यार जनरल पब्लिक जिसके लिए आपको सैलरी दी जाती है, यू हैव टू जस्टिफाई योर सैलरी, यू हैव टू प्रोवाइड योर सर्विसेज। यार पहले अपनी सर्विसेज तो दें, उसके बाद आइडेंटिफाई करते रहें। यार वो तो इंसानियत से ही खारिज है, वो तो इस्लाम से ही खारिज है। आप क्या हो यार, आप अपनी जॉब से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हो, जिसकी फर्स्ट लाइन ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द सिक्योरिटी ऑफ जनरल पब्लिक, जिसके लिए आपको पे किया जाता है और जिसके टैक्स है आपको पे किया जाता है। खैर बहुत अफसोस हुआ, दिली गम हुआ, इस तरह के वाक्यात पिछले कुछ अरसे से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो नन्नी जैनब हो कसूर की दूसरी हो, या सिंध की लारकाना में यूनिवर्सिटी की तलबा हो, या फिर जामशोर में सिंध यूनिवर्सिटी की तलबा हो, या फिर कराची में हो, कहीं भी हो, बट दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल।